नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। एपिसोड नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन में जाते हैं। आज का क्वेश्चन है कि सेक्शन अटेम्प्ट कैसे करा जाए जिससे आप बेस्ट पॉसिबल मार्क्स स्कोर कर पाएं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो जान लेते हैं आज की सेक्शन की गुत्थी क्या है, समझाना क्या है, सुलझानी कैसे है उस गुत्थी को, राइट। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेक्शन अटेम्प्ट करना कैसे। देखिए, दो कैटेगरी बना लेते हैं जल्दी जल्दी अपन। एक कैटेगरी के बच्चे वो बच्चे हैं जिनका पेपर छूट जाता है, मतलब लिखते स्लो हैं। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिनका पेपर आराम से हो जाता है, लिखते फास्ट हैं। तो अगर आप लिखते स्लो हैं और पेपर छूट जाता है, अगर आपको डर रहता है, तो आप हमेशा सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन डी से मतलब है वो सेक्शन जहां पर आपका सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर आते हैं या सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जिस सेक्शन में आते हैं, वो सेक्शन सबसे पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। हो रहा है क्लियर? इससे होगा क्या, आपको बर्डन कम हो जाएगा। आपने जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले थे वो पहले ही कर लिए, इनकेस लास्ट में टाइम नहीं भी बचता और लास्ट में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो कि सबसे कम मार्क्स के हैं, सेक्शन ए हो सकता है वो, तो लास्ट में करेंगे। अगर 2-3 क्वेश्चन छूट भी गए तो 1-1 मार्क्स के ही तो हैं, लेकिन अगर लॉन्ग 1 या 2 छूट गए और वो 6-6 मार्क्स के निकले तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है आपको, राइट। तो आप उल्टा सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, डी सी बी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब ये चीज हो गई। दूसरी, अगर आप फास्ट लिखते हैं, अगर स्पीड तेज है आपकी, तो आप नॉर्मल तरीके से ए बी सी डी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्पीड तेज है या स्लो है, दोनों बच्चों को या दोनों कैटेगरी के बच्चों को एक पैटर्न फॉलो करना ही करना है, वो ये है, जब भी आप कोई भी सेक्शन कर रहे हो तो सेक्शन का नाम ऊपर आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप सेक्शन डी कर रहे हैं या फिर सेक्शन ए कर रहे हैं, कोई भी सेक्शन है उस सेक्शन का नाम ऊपर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर उस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन है उनका नंबर लिख के आप स्टार्ट करना है। सेक्शन लिखना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वही रूल है बोर्ड का, जितना एग्जामिनर के लिए इजी करेंगे आप पेपर चेक करना, उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके। दूसरा क्वेश्चन ये भी रहता है बच्चों का कि सर मान लीजिए सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 तक हमारे क्वेश्चन है, राइट। पहले तो सेक्शन लिखना है और सेक्शन के बाद लिखने के बाद अंडरलाइन करके उस सेक्शन के क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, यहां पर है कि सेक्शन ए में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। अब इनमें क्या होता है, आप फेर बदल कर सकते हैं। पहला 8वां आता है तो 8वां कर सकते हैं, 9वां आता है तो 9वां, 6th आता है, 5th आता है, 3rd आता है, तो आप कोई से भी कर सकते हैं। सेक्शन में ही फेर बदल कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि सेक्शन डी के क्वेश्चन सेक्शन ए में कर दिए। दाल तो सेक्शन ए दिया, लेकिन अपन क्वेश्चन सेक्शन डी में मान लीजिए, या इसको बी मान लीजिए, सेक्शन ए के बाद बी आता है, तो बी में आपके आ रहे हैं 11 से लेकर 18 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल, तो आप सेक्शन ए डाल के क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 12 बी सेक्शन में आता है। तो हर सेक्शन के क्वेश्चन उसी सेक्शन में सॉल्व होने चाहिए, ये बोर्ड की गाइडलाइंस है। आई रिपीट, सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 10 तक हैं, तो वो सारे क्वेश्चन उसी सेक्शन में होने चाहिए। सेक्शन के अंदर फेर बदल हो सकती है, आप पहले 8वां कर सकते हैं, 7वां कर सकते हैं, 3रा कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन है। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, और भी इजी कर दीजिए एग्जामिनर के लिए, सिंप्लीफाइड 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 तरीके से ही करिए। जो नहीं आता उसके लिए गैप छोड़ दीजिए। इसका फायदा ये भी होगा कि जब आपका पेपर हो जाएगा तब आपको गैप छूटा हुआ दिख जाएगा, उससे होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आया नहीं था तो मुझे अब कर देना चाहिए इसको, राइट। हो रहा है क्लियर? सेक्शन ए डालना है, जितने भी क्वेश्चन है सीक्वेंस में कर दीजिए, नहीं तो फेर बदल भी चल सकती है, लेकिन सेक्शन ए डाल के सेक्शन बी के क्वेश्चन करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये राइट टेक्निक है। अगर बी सेक्शन भी कर रहे हैं तो 11 से 18 के बीच में शफल कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन बी डाल के सेक्शन सी के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, गैप छोड़ दीजिए उसके लिए, और जब आपका पेपर हो जाता है तब आप उस पर आके वापस से कर सकते हैं, राइट। तो ये बेस्ट टेक्निक है सेक्शन को अटेम्प्ट करने की। आप कोई सभी सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी,
मैंने दो अप्रोचेस बताई, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या तो आप उल्टा सॉल्व कर सकते हैं डी सी बी ए अगर आपका पेपर छूटता है, अगर आपकी राइटिंग फास्ट है पेपर टाइम पे हो जाता है तो आप स्पेसिफिकली ए बी सी डी से स्टार्टिंग करिए, कोई इशू नहीं है, आपका पेपर 10 मिनट पहले ही हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सी टेक्निक थी, मेरी टिप्स थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।